जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों बात करेंगे आज रॉयल एनफील्ड की, और रॉयल एनफील्ड की जो वारंटी के अंडर वारंटी जो रिप्लेसमेंट होते हैं, अगर आपका कोई पार्ट ख़राब हो जाता है रॉयल एनफील्ड की, अगर आपने स्टैंडर्ड 350, बुलेट 350, क्लासिक 350 कोई भी ले रखी है बाइक, तो उसका प्रोसेस कैसा है उसके बारे में आज आपसे बात करूँगा। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई आपका पार्ट ख़राब हो जाता है तो अंडर वारंटी क्या उसका प्रोसेस है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही बेकार रहा, और मुझे पता है कुछ लोग शायद मुझे कमेंट जरूर करने वाले हैं कि भाई अगर तुम इतना दुखी हो बुलेट से तो उसे बेच दो। तो भाई मुझे पता है कि मैंने कोई चीज़ क्यों ली है और उसको कब बेचना है, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप खुश हो हर तरीके से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उन्हें ये बताऊँ कि क्या चीज़ कितनी आसान हो सकती है और कितना उसको डिफ़िकल्ट बनाया जाता है, और ये चीज़ गलत है बिल्कुल। तो मैं बात करता हूँ आपसे, एक्चुअली मैंने मेरा स्टैंडर्ड 350 मतलब बुलेट 350 BS6 मॉडल मैंने खरीदी थी, उसका स्पीडोमीटर ख़राब हो गया था लगभग 1-1.5 महीने बाद ही। बहुत होता नहीं है आमतौर पर, लेकिन हो गया था। और उसका रिप्लेसमेंट इतना मतलब उसका जो प्रोसेस था वो बहुत ही बेकार मुझे लगा। जब मैं सर्विस के कराने के लिए गया तो तभी मैंने उनको बोल दिया था कि सर मेरा जो ये स्पीडोमीटर है ख़राब है। तो पहले तो मुझे किसी ने बताया कि वायर ख़राब है इसकी, वायर चेंज करके देखी, वायर ख़राब नहीं थी। फिर उसके बाद फिर एक ने उसमें और दिमाग लगाया कि ये तो सही है। फिर मुझे तीसरे व्यक्ति ने बताया कि इसका स्पीडोमीटर ख़राब है। स्पीडोमीटर उस समय नहीं था अवेलेबल, तो उसको ऑर्डर किया गया मंगाने के लिए, और फाइनली 1.5 महीने के बाद, 1.5 महीने वेट करने के बाद वो स्पीडोमीटर आया। अब क्योंकि मुझे वीडियोस वगैरह बनानी पड़ती हैं तो काफ़ी लंबा पीरियड था। खैर वो हो सकता है कि उस समय ना हो, और ये चीज़ जल्दी से ख़राब भी होती मैंने नहीं देखी किसी की। तो 1.5 महीना मुझे टोटल लगा वेट करने लगा मुझे, मतलब इतना समय मैंने वेट किया। उसके बाद जब मैं इसको रिप्लेस कराने के लिए गया, पहले तो मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया, मैंने खुद ही फ़ोन किया कि भाई ये आ गया क्या, तो मुझे पता लगा हाँ जी आ गया, ये आप चेंज कराने के लिए आ सकते हो। तो जब मैं चेंज कराने के लिए आया तो पहले तो सवाल उठाए गए इस बात के ऊपर कि जो मेरा ख़राब हुआ हुआ स्पीडोमीटर था उस पर लेमिनेशन करा रखी थी मैंने ब्लैक कलर की, तो इस बात पे सवाल उठाए गए कि सर ये लेमिनेशन हो रही है, ये तो दिक्कत होएगी, ऐसा तो रिप्लेस नहीं हो सकता। मतलब एक लेमिनेशन को उतारने के लिए भी आप इतनी बातें, उसे 2-3 लोगों ने आके देखा कि ये क्या चीज़ है। इतना बेवकूफ़ शायद कोई आदमी नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि किसी को ये भी ना पता लग रहा हो कि ये लेमिनेशन है कुछ और है। खैर अब इसका सिंपली वे हो सकता था कि भाई आप इसे सिंपल उतार दो, इसको कोई इतनी लंबी चौड़ी चीज़ तो होनी गई कि उससे कुछ ख़राब हो जाएगा, लेकिन उस चीज़ को इशू बनाया गया, मतलब उसको उस चीज़ के लिए मुझे कहा गया कि सर ये दिक्कत आ सकती है इसमें, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, कैंसिल हो जाए आपका रिप्लेसमेंट। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को मैनेजर से कहा, सेल जो सर्विस मैनेजर था, तो उसने कहा कि नहीं ये हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। खैर उसमें मेरा टाइम ख़राब करा पहले। उसके बाद जो नया जो स्पीडोमीटर था उसमें बल्ब जो लगा हुआ था उसका बल्ब निकाल लिया गया, और पुराने वाला जो बल्ब था जो पुराने वाले स्पीडोमीटर का था वो ही डाला गया। अब ये अजीब सी बात है कि जिस समय मैं रिप्लेसमेंट कराना चाह रहा था सर्विस के टाइम पे, उस समय वो बल्ब सही था, लेकिन अब वो बल्ब जो है ख़राब हो चुका था। तो उसके मुझसे 50 रुपये अलग से मांगे गए कि जी सर ये अलग से आता है, इसके आप 50 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, वरना आप डैमेज वाला बल्ब भी लगवा लो। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई, जब पूरा एक बॉक्स आ रहा है स्पीडोमीटर का और उसमें इंक्लूडेड है वो बल्ब, तो आप पुराने वाला क्यों लगा रहे हो। अगर ये पॉलिसी रॉयल एनफील्ड की है तो गलत है बिल्कुल, और अगर शोरूम वाले ये कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। इसके बाद तीसरी जो चीज़ हुई वो ये हुई कि मेरे से 25 रुपीज़ सैनिटाइजेशन के लिए, लेकिन कोई सैनिटाइजेशन मेरी बाइक पे नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया, वो क्यों लिए गए मुझे नहीं पता। इसके बाद मुझे करीबन 1-1.5 घंटा लगा सिर्फ उस स्पीडोमीटर को बदलवाने के, मतलब मैंने बेफजूल में पैसे भी दिए, 1.5 महीना वेट भी किया, 1.5-2 घंटे फिर ख़राब किए, और उसके बाद मेरा एक इतना सा स्पीडोमीटर जो बहुत जल्दी चेंज हो सकता था वो चेंज हुआ। अब इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये था कि अगर आपका कोई भी पार्ट ख़राब हो जाता है तो वो एज़ इट इज़ उसी कंडीशन में होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर कोई अंडर वारंटी कोई पार्ट ख़राब होता है तो आप ये चीज़ पहले समझ लेना इस चीज़ को कि रॉयल एनफील्ड कहती है कि जिस कंडीशन में आपको नया पार्ट मिल रहा है
उसी कंडीशन में आपका पार्ट होना चाहिए, तब आपको ये रिप्लेस किया जाएगा। मतलब अगर स्पीडोमीटर का शीशा फूटा होता अगर मेरा ऊपर का, तो वो रिप्लेस नहीं करते। लैमिनेशन पे भी उसने ऑब्जेक्शन उठा दिया, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रख के चलें। और अंडर वारंटी में जो पार्ट्स होते हैं उसको समझ लें कि क्या क्या पार्ट हैं, ये चीज़ थोड़ी समझ लें, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात नहीं थी कि इतना परेशान करने वाली चीज़ हो जाएगी ये। बात 75 रुपये की या 50 रुपये की नहीं है, 25 रुपये की नहीं है, बात है सिर्फ एक चीज़ जो बहुत ही सिंपली हो सकती है, उसको क्यों क्यों उसको इतना पेचीदा बनाया जा रहा है, सिर्फ ये बात है और कुछ ही बात नहीं है। तो दोस्तों बस इतनी सी ही वीडियो थी मेरी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लें, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही थी, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।